वेलकम टू नीर-जैज़ सैलून। आज हम ये लुक क्रिएट करने जा रहे हैं, पंजाबी वेडिंग पार्टी लुक। आप इसे नॉर्मली किसी भी फंक्शन में अपना पार्टी लुक यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेहंदी फंक्शन, पार्टी फंक्शंस एंड पंजाबी वेडिंग्स। आप इस मेकअप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये लुक सीखना चाहते हैं तो मेरी फुल वीडियो आप देखिए। सबसे पहले मैं सेटाफिल यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़ के लिए। मेरी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है तो सेटाफिल सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत परफेक्ट है। मैं मॉइस्चराइज़ ब्रश यूज़ कर रही हूँ 049। मेकअप को स्टार्ट करने से पहले आपको स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप से। आई मेकअप में मैं पेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ मैक का, एंड ब्रश है मेरा 285 PAC। कर रही हूँ क्रीज लाइन को कवर करने के लिए, एंड लाइट ऑरेंज अपर हाई बोर्ड पे अप्लाई कर रही हूँ। सेम मैं दूसरी आई पे अप्लाई कर रही हूँ। का पैलेट यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग्स के लिए। मैं ब्लेंडिंग्स के लिए लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन यूज़ करूँगी। पहले मैंने लाइट ब्राउन यूज़ किया है आउटर कॉर्नर। ब्लेंड करने के लिए मैं PAC का 041 ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं जिंजर ब्रेड कलर यूज़ कर रही हूँ आउटर कॉर्नर को शेप देने के लिए। डार्क ब्राउन यूज कर रही हूँ। मैजिक का ग्लिटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सेंटर आई बॉल पर मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी, और ये प्रेस ग्लिटर्स हैं, इनके लिए ग्लू की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंटर लीड पे मैं थोड़ा सा बेस अप्लाई कर रही हूँ पेंट पॉट। देन मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। क्लिनिक का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ब्रश 123 PAC, एंड मैं इसमें विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा पार्टी लुक है। मैं इसके लिए डायगनल ब्रश स्लांट ब्रश यूज़ कर रही हूँ 121 PAC। दूसरी साइड अप्लाई कर रही हूँ। मैं क्लिनिक लाइनर से ही एज अ काजल इसको यूज़ करूँगी। एंड मैंने काजल अप्लाई करने के लिए ब्रश का बैक टिप यूज़ किया है। धीरे धीरे मैं आगे स्मर्ज करूँगी। लोअर आई स्मर्जिंग के लिए 082 PAC यूज़ कर रही हूँ ब्रश के लिए, एंड डार्क ब्राउन टोन लिया है। silverish tone है. मैं सेम शेड इनर कॉर्नर पे भी यूज कर रही हूँ. अगेन ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ. मैं आईब्रोज के लिए फेरनिश यूज कर रही हूँ, डार्क ब्राउन टोन. कंप्लीट है. अब हम फेस पे चलेंगे. मैं प्राइमर के लिए कलर एसेंस के प्राइमर यूज़ करूँगी. मैं बहुत कम क्वांटिटी लेकर डैबिंग फॉर्म में इसको अप्लाई कर रही हूँ. प्राइमर से आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है. मैं कंसीलिंग के लिए मेकअप स्टूडियो का ब्रांड यूज़ कर रही हूँ और मैं इसमें ओरिएंटल शेड यूज़ कर रही हूँ. डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, मैं सब कवर कर रही हूँ. स्टेपलिंग ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड ये ब्रश का नंबर 306 PAC. बहुत लाइट प्रेशर से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. मेकअप स्टूडियो का कैरेबियन शेड यूज़ कर रही हूँ बेस के लिए और ब्रश मेरा फाउंडेशन ब्रश है मैक का. अगेन स्टेपलिंग ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ. मैं नेक पे भी कवर कर रही हूँ. थोड़ा फेयर टोन ऐड करने के लिए मैं बॉम बेस टोन यूज़ कर रही हूँ. कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बॉबी ब्राउन नेचुरल 4 शेड है एंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ PAC 301. डैबिंग फॉर्म में मैं अप्लाई कर रही हूँ. कंटूरिंग के लिए PAC पैलेट यूज़ कर रही हूँ, डार्क ब्राउन टोन विद ब्रश 376 PAC. नोज करेक्शन. टेक्सचर के लिए मैक का ब्रीजी टोन यूज़ कर रही हूँ। मैं हाइलाइटर के लिए सॉफ्ट एंड जेंटल टोन यूज़ कर रही हूँ विद ब्रश 036 PAC। लिप कंडीशनिंग यूज़ कर रही हूँ मैक का टू हाइड्रेट द लिप्स विद द ब्रश ऑफ 083। मैं लिप्स के लिए शिखा शेड यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी। हम आई लैशेज अप्लाई करेंगे इस लुक में। लंडन प्राइड का आई लैशेज पिंक लैशेज मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं मेबलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा यूज़ करूँगी टू वॉल्यूम दी लैशेज। लैश को वॉल्यूम देने के लिए मैं ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो ये है हमारा फाइनल लुक। मैंने एक कुर्ती के साथ क्रिएट किया ये लुक विद चंदेरी दुपट्टा एंड कट वर्क इयररिंग्स विद परांदी। आई होप कि आपको ये लुक मेरा बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये लुक बहुत पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए ताकि आने वाले नई वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलता रहे। सो लव यू ऑल, बाय बाय।